गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स एंड माई डियर स्टूडेंट आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम काफ़ी लंबे समय से ये सुनते चले आ रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में वी हर्ड अलॉट अबाउट द कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी और कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा फायरिस एंड द रोल इन कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जो कि कोविड नाइन्टीन के सीरियसली इल पेशेंट्स को दी जा रही है और ये जो कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी है काफ़ी हेल्पफुल है काफ़ी कारगर है और कोविड नाइन्टीन के सीरियसली इल पेशेंट्स के लिए लाइफ सेविंग है तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन से किसी भी पेशेंट को क्या होता है तो कोविड नाइन्टीन के पेशेंट को जब इन्फेक्शन होता है तो उसे फीवर हो सकता है कफ होता है जो कि यूजुअली ड्राई कफ होता है थकान रहती है शोर थ्रोट रहता है गले में खराश रहती है जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहती है और काफ़ी सीवियर होती है इसके बाद उस पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है और अभी कुछ और सिम्टम ऐड किए गए हैं जैसे हेड एक नोजिया डायरिया ये सब सिम्टम भी कोविड नाइन्टीन पेशेंट के होते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है तो ये सब थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड 19 पेशेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बारे में कि कोविड नाइन्टीन का इन्फेक्शन हुआ है उससे साइन सिम्टम आए हैं तो ऐसे पेशेंट का अगर हम एक्सरे लेते हैं तो क्या क्या रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होंगी तो थ्री मेन रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जिन्हें मैं एक एक करके बताऊंगा पहली और बहुत इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है बायोलिट्रल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स सेकेंड इम्पॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है कंसोलिडेशन तो ये तीन मोस्ट कॉमन रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है बाइलिट्रल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज एंड कंसोलिडेशन तो ये तीन मेन रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है अब ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग्स एसोसिएटेड विथ सीवियर डिसीज ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें सीवियर डिसीज होने की संभावना काफी बढ़ जाती है पहली है ओल्डर एज जिन लोगों की उम्र 60 और पैंसठ से ज्यादा है उनको यह देखा गया है कि उनमें यह इंफेक्शन सीरियस इंफेक्शन होता है और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है जिनमें डी डाइमर का लेवल ज्यादा हो हायर सोफा स्कोर हो इंटरलिक्वेंस सिक्स का लेवल हाई हो इंक्रीज लैक्टेट हो इंक्रीज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हो फेरिटिनिमिया हो लिम्फोपीनिया हो तो इस तरह के जो कंडीशन है इनमें सीरियस इन्फेक्शन और सीवियर डिसीज होने की संभावना काफ़ी ज्यादा होती है अब हम ये जानेंगे अब हम ये सीखेंगे कि कोरोना 19 के इन्फेक्शन से ऐसी कौन कौन सी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं पहले मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सेप्सिस सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है रेस्पिरेटरी फेल्योर उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और धीरे धीरे सांस लेने की तकलीफ और बढ़ती जाती है और बहुत सीरियस कंडीशन में इस कगार पे पहुंच जाती है कि रेस्पिरेटरी फेल्योर होने लगता है और इस तरह के पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एआरडीएस डेवलप हो जाता है कुछ पेशेंट को कार्डिक इंजरी हो जाती है और बहुत ही सीरियस पेशेंट होते हैं उनको किडनी की इंजरी भी हो जाती है एक्यूट किडनी इंजरी एक्यूट रीनल इंजरी अब हम इस स्लाइड के माध्यम से यह जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे कि कोविड नाइनटीन के पेशेंट की डेथ हो जाती है सो नाउ वी विल डिस्कस कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी इन कोविड नाइनटीन इन्फेक्शन तो इसकी बहुत सारी थ्योरी है दो मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेड थ्योरी है बेसिकली कोविड 19 के पेशेंट में अगर मोर्टिलिटी हो रही है तो उसके पीछे बहुत सारी फिनोमिना होती है मल्टीपल पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है बट सबके पीछे मोस्ट कॉमन रीजन एक ही रहता है दैट इज रेस्पिरेटरी फेल्योर दिस रेस्पिरेटरी फेल्योर मे बी ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेमेशन ड्यू टू साइटोकास्टॉम कॉजिंग एआरडीएस और दिस रेस्पिरेटरी फेल्योर में बी ड्यू टू ऑक्लूजन एंड माइक्रोथ्रम्बोसिस इन स्मॉल पल्बोनरी वेसल्स मतलब कहानी ये है कहानी का सारांश ये है कि उस व्यक्ति को रेस्पिरेटरी फेल्योर होने लगता है तो इस रेस्पिरेटरी फेल्योर के पीछे दो मैकेनिज्म है दो पैथोलॉजिकल पैथोफिजोलॉजिकल मैकेनिज्म है पहली पैथोफिजोलॉजिकल मैकेनिज्म है Hyperinflammation due to cytokine storm causing ARDS and ultimately this result in respiratory failure. Or another theory is occlusion and microthrombosis in small pulmonary vessels resulting in respiratory failure. So there are the two basic mechanism or two basic pathologic, pathophysiological mechanism and ultimately result in and final result in respiratory failure. तो मोर्टलिटी का एक ही कारण है प्रमुख कारण है वो है रेस्पिरेटरी फेल्योर सिग्निफिकेंटली एबनॉर्मल कोगुलेशन पैरामीटर्स जैसे कि अभी हमने बताया कि जो कोविड 19 के सीरियस पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है फाइब्रोनोजन का उनमें हाई लेवल मिलता है डी डाइमर का और एफडीपीज का काफी हाई लेवल होता है डी डाइमर एंड फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट का और फाइब्रिनोजन एंड ए लेवल घट जाता है और डी डाइमर जो कि मैंने बताया इसका लेवल बहुत बढ़ने लगता है डी डाइमर का लेवल जितना बढ़ेगा उतना उस पेशेंट को सीरियस इलनेस होगी अब हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटर्जीज हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं हमने सुना है कि काफ़ी लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं कोई बोलता है हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन इज वेरी हेल्पफुल सम पीपल्स इज रेमडेसिविर इज इम्पॉर्टेंट रिटोनावीर सम सेज लोपेनेवीर तो अब हम जानेंगे कि कौन सा ड्रग है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सो देयर आर मैनी ड्रग्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट द कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन लाइक द हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन रेमडेसिविर लोपेनावीर रिटोनावीर लोपेनवर रिटोनोवीर विद इंटरफेरन बीटा सो बहुत सारी रेजीम्स हैं जैसे कि वी कैन गिव सिंगली रेमडेसिविर एंड वी कैन गिव लोपेनवीर विद द रिटोनोवीर एंड अदर कॉम्बिनेशन इज लोपेनवीर रिटोनोवीर और रिटोनोवीर विद इंटरफेरन बीटा हाइड्रोक्सी एंड नो डाउट कॉन्वल प्लाज्मा थेरापी सेंट प्लाज्मा थेरेपी इज वेरी मच हेल्पफुल इन सीरियसली इल पेशेंट ऑफ कोविड नाइनटीन इंफेक्शन एंड नो डाउट इट्स लाइफ सेविंग आफ्टर मेनी क्लिनिकल ट्रायल सो अब हम ये जानेंगे माइ डियर फ्रेंड्स की यह कोवलिस प्लाज्मा थेरेपी कॉन्वलिस प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और ये अप्रूव है भी कि नहीं रिसेंटली यूएसएफ डी ए इसको अप्रूवल दे चुका है अभी आई ने भी अप्रूवल दिया है इसका और कुछ फिक्स सेंटर्स हैं जहाँ पर इनका फर्दर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और ऑलमोस्ट आई ने भी इसे अप्रूव थेरेपी बताया है कॉन्वर्सेंट प्लाज्मा थेरेपी फ्रॉम पेशेंट रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड 19 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कोविड 19 इन्फेक्शन्स तो इसे यू एस एफ डी ए और आई सी एम आर का अप्रूवल मिल चुका है और इस थेरेपी के लिए जो प्लाज्मा है वो ऐसे पेशेंट से लिया जाता है जो कि ठीक हो चुके हैं कोविड नाइन्टीन के इन्फेक्शन से जिन्हें साइन सिम्टम थे और आर टी पी सी आर पॉजिटिव थे ऐसे पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं उनसे जिन्हें साइन सिम्टम फ्री हो चुके हैं कोविड नाइन्टीन के लिए आर टी पी सी आर निगेटिव आ चुके हैं ऐसे डोनर से प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है और सीरियस पेशेंट ऑफ कोविड 19 के लिए दिया जाता है सो माय डियर फ्रेंड्स ये सब था प्लाज्मा थेरेपी इन कोविड नाइन्टीन पेशेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है कोविड 19 इंफेक्शन क्या होता है उनमें क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं उनकी पैथोफिजोलॉजी क्या होती है साइन सिम्टम के पीछे बेसिक पैथोफिजोलॉजी मैकेनिज्म क्या है किस तरह से ये इलनेस डेवलप करती है और उसका मॉटलिटी क्यों क्यों होती है पेशेंट की और ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं ऐसे कौन कौन से पेशेंट हैं जो ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन डेवलप करने के लिए प्रोन होते हैं और इसमें कौन कौन सी ट्रीटमेंट स्ट्रेटर्जीज़ कारगर हैं जो कि मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया आई एम श्योर फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जिससे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले थैंक यू सो मच हैव ए ग्रेट डे एंड ग्रेट टाइम